आप लोगों की ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स क्यों नहीं हो रही, इस इशू को फिक्स करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में। यूं कह लो, आपको समझाने लगा हूं, बताने लगा हूं प्रैक्टिकली कि आपने इस इशू को कैसे सोल्व करना है, इसका सलूशन क्या है। चलो यार, वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि चैनल पे तो रेगुलर आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके भाई को भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपका भाई आपके लिए इस तरह की न्यू वीडियोस लेके आता रहे टाइम टू टाइम। चलो यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने अपनी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाना है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। जब भी आप इंडेक्स करते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो आपने इस इश्यू को कैसे सोल्व करना, ये आपको बताता हूँ। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने इस इश्यू को सोल्व करना है। तो देखो यार, अभी हमने इस ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पे इंडेक्स करा है और आपको यहाँ पे देखने को मिला है यूआरएल इज ऑन गूगल। आपने इस इश्यू को कैसे सोल्व करना है, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, आपने इस इश्यू को कैसे सोल्व करना है देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, आप लोगों ने आ जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग पे आने के बाद किसी भी एक पोस्ट को आपने ओपन कर लिया। इस पोस्ट का देखो, मेरी ये सबसे टॉप पे जो पोस्ट है, ठीक है, लास्ट वाली, इसका मैंने लिंक यहां से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहां पे आ गया गूगल सर्च कंसोल पे, यहां पे लाके अपने लिंक को किया पेस्ट और यहां पे एंटर कर दिया। देखो, रिट्रीव डेटा फ्रॉम गूगल सर्च आ गया और यहां पे आपको देखने को मिला URL is not on Google। काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना देख के छोड़ जाते हैं, इतना ही नहीं करना होता। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट इंडेक्स का बटन देखने को मिलता है, आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स के बटन पे प्रेस करना होता है। उसके बाद टेस्टिंग होती है, लाइव URL कैन बी इंडेक्स, तो आपने यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होती है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आप लोगों ने क्या काम करना है। देखिए, इंडेक्स रिक्वेस्टेड हो चुका है, गॉट इट के बटन पे आपने प्रेस कर देना है, आपका यूआरएल सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी तक गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंडेक्स नहीं हुआ, आपने सिर्फ अभी इसे सबमिट किया। तो देखिए यार, आपका यूआरएल यहां पे सबमिट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। अब गूगल के बोट्स जो होंगे वो यहां पे इसको इंडेक्स कर देंगे अपने आप विद इन 48 आवर्स, ठीक है। यहां पे अब पहले क्या सीन होता था, आप इंडेक्स करते थे फौरन से ऐसे इंडेक्स हो जाता था, लेकिन अब इन दिनों में जाके ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, गूगल सर्च कंसोल का यह इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है कि वो पोस्ट को इंडेक्स नहीं कर रहा, फौरन से इंडेक्स नहीं कर रहा, इसीलिए यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, 48 आवर्स या फिर 3-4 दिन आपके लग जाते हैं इंडेक्स होने में। उसके अलावा आपको एक और सोल्यूशन बता देता हूं जो कि आपने काम करना है। देखिए, आप लोगों ने आ जाना गूगल सर्च के ऊपर, यहां पे देखो आपने टाइप किया आके आर्टिकल पिंग, आपको काफी सारी वेबसाइट देखने को मिल गई, पिंगलर, पिंगोमैटिक, यहां पे जो भी है आपको देखने को मिली है, 2-3 के ऊपर जाके अपने इस यूआरएल को आपने इंडेक्स करना है। देखो यहां पे यूआरएल को कॉपी कर लिया आपने और यहां पे आके अपने यूआरएल को लगा दिया यहां पे, और अपने कीवर्ड को भी कॉपी किया यहां पे लाके कीवर्ड दे दिया, यहां से आके कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर ली, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके पिंग के बटन पे प्रेस कर दिया। तो देखो आपका यहां पे 3 कैटेगरीज को आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद पिंग के बटन पे प्रेस कर दो, तो देखो यहां पे आपका आर्टिकल पिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पिंग प्रोसेस, यहां पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ठीक हो गया, आप यहां 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी यहां पे पिंग हो जाएगी। अब दूसरी वेबसाइट ये है, यहां पे आके आपने अपना ब्लॉग का नेम लिखना है और उसके बाद देखो होम पेज और यहां पे और यहां सेकंड के ऊपर आपने अपने लिंक को अगेन कॉपी करना और यहां पे लाके पेस्ट कर देना। देन देखो यहां पे आप लोगों ने चेक आर के बटन पे प्रेस करना है, सेंड पिंग्स के बटन पे प्रेस कर देना, उसके बाद देखो आपकी यहाँ पे पिंग सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह से काफी वेबसाइट के ऊपर पिंग हो चुकी है। अब गूगल सर्च कंसोल वालों को पता होगा कि आपकी साइट काफी जगह पिंग है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने लिंक्स को शेयर करो, वहां से भी गूगल सर्च कंसोल के बोट्स ऑटोमेटिकली क्रॉल कर लेते हैं आपके आर्टिकल को। इसके अलावा आप लोग एक और काम भी कर सकते हो, वो क्या, यहाँ पे आके देखो मेरे भाई, आप लोग अपने साइट मैप के ऊपर चले जाओ। साइट मैप के ऊपर जाने के बाद यहां पे देखो आपको साइट मैप इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, फिर भी यहां से इसको कॉपी कर लो और यहां पे ला के एक दफा फिर से पेस्ट करके सबमिट के बटन पे प्रेस कर दो, तो अगेन आपका सबमिट हो जाएगा। यहां पे अगर आपने देखा होगा पहले कोई और डेट थी, अब यहां पर 16 जनवरी हो चुका है। थोड़ी सी वीडियो बैक करके देखो तो यहां पर डेट कोई और थी, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और यहां से किसी भी एक आर्टिकल को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे लाके इसे पिंक, यहां पे लाके इसे इंडेक्स करने की ट्राई करते हैं, एंटर करते हैं हम यहां पे
और यहां पे देखो रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स आपको देखने को मिला, यहां पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद देखो यहां पे यूआरएल इज ऑन गूगल, ठीक है, आपका यूआरएल गूगल पे आ चुका है। यहां पे अगर नहीं आता तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो। इस तरह से आप 48 और इसके अंदर अंदर आपका यूआरएल आ जाएगा। ये जो पोस्ट है ये पोस्ट कुछ टाइम पहले की होगी, इसलिए आपको इस तरह का इश्यू यहाँ पे देखने को मिला कि फॉरेन इंडेक्स हो गया, न्यू पोस्ट यहाँ पे फॉरेन इंडेक्स नहीं होगी। अब 48 आवर्स मिनिमम आपको लग जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की और वीडियोस लेके आने के लिए। कमेंट्स में बताना क्या आपको समझ लगी है या नहीं लगी। इसके अलावा यार मैं आपको बता दूं, चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंस्टा पे फॉलो करना चाहो लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको भाई ने टेलीग्राम का चैनल बना लिया, वहां भी फॉलो कर सकते हो भाई को, क्योंकि हर एक न्यू अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम।